ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। पढ़ा रहे थे बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी। सरकार ने निर्धनता को कम करने के लिए जो उपाय किए हैं उनके बारे में बताना है। ठीक है, पहले तो जनरल मेजर्स थे जो क्या क्या किए जा सकते थे, अब सरकार ने क्या किए थे। अब इसके पहले एक सेकेंड, और ये वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। थ्री अप्रोचेस टू कॉम्बैट प्रॉपर्टी, व्हाट आर द थ्री अप्रोचेस बाय विच वी कैन कॉम्बैट पॉवर्टी, हम निर्धनता से कैसे मुकाबला कर सकते हैं। तीन स्तरीय अप्रोच क्या है, थ्री टीयर भी लिखा रहेगा, थ्री टायर अप्रोच टू कॉम्बैट पॉवर्टी। तो इसका आंसर क्या है, तीन तरह के अप्रोच क्या हैं। तो फर्स्ट है ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, मीन्स वी विल ट्राई टू इंक्रीज ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, वी विल इंक्रीज द प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी सो दैट पीपल मे गेट जॉब एंड दियर इनकम में इंक्रीज। पहला जो दृष्टिकोण है वो हमारा है ग्रोथ ओरिएंटेड, यानी हम अपने देश की जीडीपी समृद्ध दर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, नई नई इंडस्ट्रीज लगाएंगे, उद्योग लगाएंगे, उनकी मदद करेंगे और इससे उद्योगों में उत्पादन बढ़ेगा, आय भी बढ़ेगी, रोजगार भी बढ़ेगी। जब ये सब होगा तो जो निर्धनता है धीरे धीरे अपने आप ही कम होना शुरू होगी। तो ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो होता है, ट्रिपल अकॉर्डिंग टू ट्रिकल डाउन इफेक्ट वी हैव टू गिव सपोर्ट टू रिच पर्सन मीन्स दोज पर्सन हु वांट टू एस्टैब्लिश देयर इंडस्ट्री एंड फाइनली इन लॉन्ग रन द होल इकोनॉमी विल बी गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। हमें जो रिच लोग हैं, अमीर वर्ग है, उस पर ध्यान देना चाहिए। उनका जैसे कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उस पर छूट देनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनको मनी देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे लॉन्ग रन में मतलब दीर्घकाल में सबको फायदा होगा, पूरी अर्थव्यवस्था को, पूरी समाज को फायदा होगा। कैसे फायदा होगा, व्हेन दे विल एस्टैब्लिश देयर इंडस्ट्री, व्हेन दे विल मेक मोर एक्सपेंडिचर, देन देयर विल बी मोर डिमांड एंड मोर प्रोडक्शन, मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज। अगर वो लोग इंडस्ट्री लगाएंगे, ज़्यादा मांग करेंगे, जब मांग बढ़ाएंगे, समग्र मांग बढ़ने से उत्पादन भी बढ़ेगा और रोजगार भी बढ़ेगा। तो इसलिए ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमें करना चाहिए। ट्रिकल डाउन मतलब एकदम तेजी से जो अमीर लोग हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए, जो उत्पादन करना चाहते हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए, या जीडीपी ग्रोथ पे हमें ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगे, प्रोडक्शन होगा। सेकेंड जो है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, जो आज हम पढ़ेंगे, निर्धनता निवारण कार्यक्रम, इनके बारे में क्लास 9th में भी पढ़े थे, मनरेगा वगैरह जो याद है, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, काम के बदले अनाज योजना, ऐसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जो सरकार ने जो जारी की है। टारगेटेड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम भी बोलते हैं इसको, लक्षित निर्धनता निवारण कार्यक्रम भी बोलते हैं। तो इनका काम क्या है, फर्स्ट वी सीक फॉर दैट ग्रुप विच इज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, विच इज सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी। ऐसे ग्रुप को हम पहले पता करेंगे जो निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है, उसका पता करेंगे। देन वी विल इम्प्लीमेंट सम प्रोग्राम, सम प्लान, सम पॉलिसी फॉर दैट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, दैट क्लास ऑफ सोसाइटी। हम उस वर्ग के लिए हम कोई प्लान तैयार करेंगे, कोई योजना तैयार करेंगे, कोई कार्यक्रम तैयार करेंगे जिससे उसको उसी लोग मतलब उसी पर्टिकुलर ग्रुप, उन्हीं लोगों के लिए जॉब मिल जाए। ये जो ऊपर वाला फर्स्ट पार्ट है ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, इन दिस अप्रोच ओनली दोज कैन बी बेनिफिटेड हु हैव गुड एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, हु आर लिविंग इन सिटीज आर सच एरियाज वेयर मेनी इंडस्ट्रीज आर एस्टेब्लिश। जो पहला वाला प्रोग्राम है इससे केवल कौन से लोग का भला होगा, इनसे उन लोगों का भला होगा जो शहरों में रह रहे हैं, जहाँ पे इंडस्ट्री लगाई जाती है, उद्योग लगाए जाते हैं, जिनके पास तकनीकी ज्ञान है, कौशल है, जिनके पास अच्छी शिक्षा है, वो लोग तो आसानी से
आ जाएंगे, लेकिन जो बिल्कुल गरीब हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, बहुत कम लिखे पढ़े लिखे लोग हैं, दोज पीपल हु आर नॉट एबल टू डू एफिशिएंट वर्क, दे कैन डू ओनली इनएफिशिएंट वर्क। ऐसे लोग जो केवल अकुशल वर्क कर सकते हैं, कुशल वर्क नहीं कर सकते, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो उनको लक्ष्य बना के यहाँ पे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम उनके लिए लागू किए जाते हैं। सो दीज आर फॉर द पीपल हु आर लिविंग इन रिमोट एरियाज, इन बैकवर्ड एरियाज, इन रूरल एरियाज, जो गांव में रह रहे हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज, मतलब ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ के बेनिफिट नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ के लिए, उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं। शहरों के लिए भी बनाए जाते हैं, शहरों में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, जिनके पास सोर्स कम है, मीन्स कम है। थर्ड, मीटिंग मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर, निर्धनों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना। इसमें क्या होता है, द गवर्नमेंट फुलफिल द मिनिमम नीड्स, फुल मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पुअर, लाइक एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग एक्सेट्रा, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, इस तरह की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, सरकार उनको पूरा कर देती है। मीन्स द गवर्नमेंट प्रोवाइड दीज फैसिलिटी फॉर फ्री, मुफ्त में सरकार इनको हेल्प करती है। जैसे बहुत से शहरों में या कस्बों में सरकार गरीबों के घर बना के दे देती है, इस तरह का काम करती है। फ्री एजुकेशन के लिए सरकार ने स्कूल खोले हैं, फ्री हेल्थ फैसिलिटीज के लिए गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल खुलवा रखे हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुलवा रखे हैं, ये सब। सो दीज एसेंशियल थिंग्स मीन्स फूड आइटम्स, एसेंशियल फूड आइटम्स कैन बी आल्सो गिवन टू देम, प्रोवाइडेड टू देम बाय पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए हम जो आवश्यक खाद्य पदार्थ हैं वो भी पहुँचा सकते हैं। We can provide them on cheap rates, सस्ती दर पे, कम कीमत पे हम ये सब चीज़ें पहुँचा सकते हैं। तो ये तीन तरह के, जो तीन तरह का प्रोग्राम है, थ्री टायर अप्रोच है, थ्री अप्रोचेज हैं, तो वह यही हैं। पहला हुआ ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, मतलब समृद्धि आधारित दृष्टिकोण। दूसरा हुआ है निर्धनता निवारण कार्यक्रम या लक्षित निर्धनता निवारण कार्यक्रम, टारगेटेड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। तीसरा, फुलफिलिंग मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर और मीटिंग मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर, निर्धनों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना। अब ये जो सेकेंड वाला इसका था, टारगेटेड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, उनके बारे में, लक्षित निर्धनता निवारण के जो कार्यक्रम हैं जो सरकार ने जारी किए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मेजर्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, निर्धनता निवारण कार्यक्रम या वे उपाय जो सरकार ने निर्धनता को कम करने के लिए किए हैं। तो पहला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। यहाँ पे ग्राम लगा है प्लस स्वरोजगार है, मीन्स इट इज ओनली फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। स्वर्ण जयंती मीन्स वेन 50 ईयर completed for anything, we make celebration by the name of Swarn Jayanti, Golden Jubilees। जो Swarn Jayanti के नाम से हम कोई celebration तब करते हैं जब किसी का 50 वर्ष पूरा हो चुका हो, ठीक है। तो यहाँ पे 50 वर्ष किस चीज का पूरा हो रहा था, देखो 1950 में अपने देश में संविधान लागू हुआ, तो 2000 में, ईयर 2000 में 50 साल पूरे होने वाले थे, उसी के पहले ही ये शुरू किया गया, ठीक है। तो इससे इसकी डेट आसानी से याद रहेगी कि 1999 क्योंकि 2000 में 50 साल पूरे होने वाले थे संविधान लागू करने के, ठीक है। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार वो योजना वाज लॉन्च्ड इन 1999 एंड इट इज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। स्वरोजगार बहुत से ऐसे ही जो योजनाएं हैं जिनमें नाम से ही उनका मतलब पता करना है, अगर एक एक को रटेंगे कि डेट कब थी तो बहुत टाइम आ लग जाएगा, रट नहीं पाएंगे, भूल जाएंगे। उनके नाम में देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। तो स्वरोजगार के लिए 1999 में, और इसके पहले एक शुरू हुई थी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना इन 1997।
1997 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शुरू हुई थी। स्वर्ण जयंती शहरी, एक सेकंड, नीचे लिखा है उसी पे चलते हैं। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये उसके पहले शुरू हुई, ये शुरू हुई 1997 में। दिस योजना वाज लॉन्च्ड ऑन दिसंबर 1st 1997। शहरी वाली, शहर में पहले और गांव में बाद में। गांव देखो अभी पीछे हैं तो गांव तक पहुंचते पहुंचते टाइम लग जाता है। तो स्वर्ण जयंती नाम से ये भी है, स्वर्ण जयंती नाम से वो भी है। अंतर क्या है, ये शहर की है और यहाँ पे स्वरोजगार नहीं लिखा है, केवल रोजगार लिखा है। मीन्स ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स आर अंडर दिस स्कीम। पीपल कैन बी प्रोवाइडेड, कैन बी हेल्प फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल्सो फॉर वेज एम्प्लॉयमेंट। ये शहरी है, दिस इज फॉर अर्बन सेक्टर। ये शहरी है यानी शहर के क्षेत्र के लिए, नगरी क्षेत्र के लिए ये योजना बनी है। शहर में कोई योजना पहले पहुँचती है, गाँव में बाद में पहुँचती है। सिंपल नियम लगाना कि कौन सा पहले हुआ होगा, 50 साल जब आज़ादी के हुए, ठीक है, when 50 years of independence was completed, then this policy was, this scheme was launched. 50 साल हो गए, 1947 में आज़ादी हुई, 1997 में ये लागू हुई, पहले शहर में फिर गांव में चली। तो गांव में स्वरोजगार है, केवल स्वर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना है और इसमें दोनों देना है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए है और इसके पहले दो योजनाएं चल रही थी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम एंड ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण, इसको साथ में ट्राइसम भी बोलते हैं, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इन दोनों को मर्ज कर दिया, मतलब इन दोनों को खत्म कर दिया, उनकी जगह पे आया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इन 1999। इसमें क्या करना था, अंडर दिस प्रोग्राम ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल इंटरप्राइजेस वर इस्टेब्लिश्ड इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग लगाए गए हैं, इंटरप्राइजेस मतलब उद्योग, छोटे मोटे उद्योग लगाए गए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगाई गई, सो दैट पीपल कैन बी सेल्फ एम्प्लॉयड। देवर हेल्प बाय गिविंग सम मनी, देवर ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। पहले उनको ऑर्गेनाइज किया गया, लोगों को जो भी स्वरोजगार चाहते थे, सबके पास पूंजी नहीं है तो पूंजी, बिना पूंजी के, विदाउट कैपिटल नो वन कैन इस्टेब्लिश दियर इंडस्ट्री। कोई भी बिना पूंजी के इंडस्ट्री नहीं लगा सकता है, इंटरप्राइज नहीं लगा सकता है, बिजनेस नहीं कर सकता है। सो दे वर ऑर्गेनाइज इन स्मॉल ग्रुप ऑफ 8 to 15 members, 8 से 15 सदस्यों का छोटा छोटा समूह बनाया गया, उनको बोलते थे सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। ये अब भी चलते हैं, कई गांव में दिखे होंगे, छोटे मोटे गांव की औरतें रोजगार करती हैं, छोटा मोटा काम करती हैं, कोई ग्रुप काम करता है। तो बाय कलेक्टिंग दियर फंड दे कैन इस्टेब्लिश, दे कैन स्टार्ट दियर स्मॉल बिजनेस एंड दे कैन आल्सो ओपन दियर अकाउंट इन द नेम ऑफ दियर ग्रुप इन एनी बैंक। बैंक कैन आल्सो प्रोवाइड देम सम मनी, बैंक में भी ये अपना खाता खोल सकते हैं, जिस नाम से अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रहे हैं, स्वयं सहायता समूह चला रहे हैं, उस नाम का बैंक में अकाउंट खोल लिया और उस अकाउंट से क्या करेंगे, उसके पैसे से काम चला रहे हैं, उस अकाउंट को दिखा के वहाँ से लोन भी पा सकते हैं बैंक से, फिर वर्क कर सकते हैं, स्वरोजगार कर सकते हैं। अब इन 2011-12 SGSY स्कीम वार रिस्ट्रक्चर्ड इनटू नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अब 2011-12 में ये जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थी, इसको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में जोड़ दिया गया है, मतलब इसको फिर से, इसको चेंज करके नया नाम बनाया गया और
कर दिया गया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। अब दूसरी योजना है नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, ये वही जो ऊपर लिखी है 2011-12 में शुरू हुई राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसको आजीविका नाम से भी जानते हैं, वी कैन इट इज आल्सो फेमस एज आजीविका। तो इन द फर्स्ट फेस दिस स्कीम वाज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन 150 डिस्ट्रिक्ट्स इन द ईयर 2012 and 2013। पहले क्या था, ये 150 जिलों में शुरू हो। वेन एवर एनी न्यू स्कीम इज लॉन्च इट इज फर्स्ट लॉन्च फॉर ट्रायल बेसिस। जब भी कोई नई योजना होती है तो पहले ट्रायल बेसिस पे शुरू करते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इम्प्लीमेंटेशन में क्या आ सकती है, क्या लोगों को दिक्कतें आ सकती। तो पहले 150 डिस्ट्रिक्ट में शुरू करनी थी 2012-13 में। देन दिस वॉज टू बी एक्सपेंडेड इन अनदर 150 डिस्ट्रिक्ट बाई नेक्स्ट ईयर मीन्स बाई 2014-15। अगले साल तक यानी 2014-15 तक इसे, मतलब कि दो साल बाद इसे 2014-15 में 150 जिलों में और लागू करना था, यानी 300 जिले हो जाते हैं। एंड बाई द एंड ऑफ 2016-17 दिस मिशन वॉज टू बी इम्प्लीमेंटेड टू एंटायर कंट्री। 2016-17 तक क्या करना था, इस योजना को पूरे देश में लागू करना था। तो इससे क्या था, इट इज एक्सपेक्टेड दैट दिस मिशन विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 90 लाख पर्सन, 90 लाख लोगों को इस योजना से रोजगार मिलेगा, ऐसी हमारी आशा थी। मतलब उस टाइम ऐसा हम सोच रहे थे कि 90 लाख लोगों को जॉब मिलेगी। नाउ इट इज रीनेम्ड एज दीनदयाल अंत्योदय योजना, इसका नाम बदल दिया गया, दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया है अब नाम। अब जब से ये बीजेपी की सरकार बनी है तो इन्होंने अब अपना नाम से चलाना शुरू कर दिया, अपने जो इनके लीडर थे, तो दीनदयाल योजना हो गया, कर दिया नाम अब उसका। अब इसके बाद संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण मतलब पूरा का पूरा ग्रामीण रोजगार योजना। अब इसमें क्या है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना वाज लॉन्च इन सितंबर 1 में शुरू हुई। अब इसमें जवाहर ग्राम समृद्धि योजना एंड एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम बोथ वर टू बी मर्ज्ड टू बी इंटीग्रेटेड इनटू वन सिंगल योजना, एक प्लान में। इसके पहले दो प्लान चल रहे थे, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और रोजगार आश्वासन योजना। तो इन दोनों को, रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इन दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स करके एक योजना बना दी, संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना। सो मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्लान आर, अब इसके जो जो भी मुख्य उद्देश्य हैं, फर्स्ट टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द सरप्लस वर्कर्स, मीन्स दोज वर्कर्स हु आर नॉट एबल टू गेट जॉब इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। अब गांव में तो मुख्य क्रिया क्या है, मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन रूरल सेक्टर इज एग्रीकल्चर। सो द पीपल हु आर सरप्लस मीन्स हु डू नॉट गेट जॉब्स इन एग्रीकल्चर, दे वर टू बी गिवन एम्प्लॉयमेंट। ऐसे लोगों को रोजगार देना था जो एग्रीकल्चर सेक्टर में कृषि में जॉब नहीं पा रहे थे। दूसरा, टू फोकस ऑन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ रीजनल इकोनॉमिक, अब क्षेत्रीय आर्थिक और सामाजिक दशाओं का विकास करना था, मतलब गांव में कुछ डेवलपमेंट वर्क करना था, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ट्यूबवेल्स, वेल्स, कैनाल्स एक्सेट्रा। गांव में रोड का निर्माण करवाना, कुओं का निर्माण करवाना, नहरों का निर्माण कराना, इस तरह की चीज़ों का निर्माण कराना जिससे स्थानीय विकास हो सके, सोशल डेवलपमेंट भी हो सके। देन टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस करना, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में फोकस करने का मतलब वही चीज़ हो गया, रोड वगैरह, स्कूल वगैरह,
बैंक्स वगैरह ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ की फैसिलिटीज पहुंचाना। सो दिस योजना हैज सेट ए टारगेट ऑफ क्रिएटिंग 100 करोड़ मैन डेज लेबर, मतलब 100 करोड़ मींस 1 अरब, 1 अरब मैन डेज मतलब मानव दिवस रोजगार या श्रम को उपलब्ध कराना था। 1 मैन डे इज इक्वल टू 8 आवर्स, एक जो कार्य दिवस है, ठीक है, एक व्यक्ति का कार्य दिवस 8 घंटे का माना गया, तो 800 करोड़ घंटे का ये यहाँ पे रोजगार करना था। नाउ दिस हैज बीन सब्ज्यूम्ड इन मनरेगा, अब ये सब चीजें किस में हो गई, मनरेगा। मनरेगा इज नाउ सिंगल लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इन इंडिया एंड दिस इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली योजना है ये मनरेगा। अब प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ग्रामोदय योजना का मतलब गांव का उदय करना है, ठीक है। ग्रामोदय मीन्स डेवलपिंग विलेज, सो हाउ वी कैन डेवलप अ विलेज बाय प्रोवाइडिंग ऑल टाइप ऑफ फैसिलिटीज, हेल्थ, एजुकेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, रोडवेज, हाउसिंग, ये जितनी भी सुविधाएं हैं सब चीज़ों को गांव में अगर देंगे तो गांव का विकास होगा। ग्रामोदय मतलब पूरी तरह से गांव का विकास करना, उसके लिए कई सारी योजनाओं को मिक्स करके शुरू की गई, मतलब इस योजना के अंतर्गत कई सारी छोटी छोटी योजनाएं जो थी वो चल रही थी। अब देखो इसमें क्या था, दिस वाज लॉन्च इन 2001 में जब शुरू हुई अटल बिहारी के टाइम पे, सब 2000 के आसपास की ज़्यादातर योजनाएं हैं जो अटल बिहारी के प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी जी उनके टाइम पे शुरू हुई। स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार योजना, शहरी रोजगार योजना, ये भी वही उसी टाइम पे शुरू हुई है, ठीक है। इसके पहले जो योजनाएं थी वो सब क्या होती थी, धीरे धीरे उन्हीं में मर्ज हो जाती थी, तो ये भी सब आगे जाके मनरेगा में मर्ज हो गई। अब इसका क्या काम था, इट एम्स टू इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द रूरल पीपल बाय डेवलपिंग 5 इम्पोर्टेंट एरियाज, 5 मुख्य क्षेत्रों का विकास करके गांव के क्षेत्रों का विकास करना था, गांव के लोगों का विकास करना था, लिविंग स्टैंडर्ड उनका अच्छा करना था, जीवन की गुणवत्ता बढ़ानी थी, जीवन स्तर ऊपर करना था। कौन कौन से, कौन कौन सी बातें थी, हेल्थ मींस प्राइमरी सेंटर, प्राइमरी एजुकेशन फैसिलिटीज, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, रोड्स, ये सब चीज़ें करनी थी। तो अब इसके लिए 3 प्रोजेक्ट इसके लिए अंतर्गत शुरू किए गए। फर्स्ट प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बाय दिस योजना ऑल वेदर रोड्स वर टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय 2007 टू ऑल सच विलेजेस विच हैव पॉपुलेशन मोर देन 500 पर्सन, ऐसे गांव जहां पर 500 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, जहाँ की जनसंख्या 500 या उससे ज़्यादा है, तो ऐसे गांव में हर मौसम में चलने वाली सड़कों का निर्माण करना था। ऑल वेदर रोड मतलब हर मौसम में जिसमें गाड़ी लेके चले जाएं, कच्ची रोड जैसे होती है, पानी होता है तो वहाँ पे गाड़ी वाड़ी नहीं जा सकती है, तो वैसी रोड नहीं, पक्की रोड मतलब बनवानी थी, ठीक है, सो दैट पीपल कैन ट्रांसपोर्ट इन ऑल वेदर। सेकेंड, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, अब शहर की वहाँ पे गांव में रहने की आवास की भी सुविधा देनी है, तो आवास योजना भी चल रही थी, आवास वाला प्रोजेक्ट। थर्ड, प्रधानमंत्री ग्रामीण ड्रिंकिंग वाटर योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण ड्रिंकिंग वाटर मतलब पेयजल योजना, सबके घर में नल से वाटर पहुँचाना था, सब गाँव में टंकी लगवानी थी। अब जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना, ये जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना ये बहुत पुरानी स्कीम थी। दिस स्कीम सीक्स टू प्रोवाइड गारंटीड एम्प्लॉयमेंट इन द मोस्ट बैकवर्ड कंट्री, मींस इट वाज नॉट लॉन्च्ड फॉर ऑल डिस्ट्रिक्ट, इट वाज ओनली फॉर मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, जो सबसे पिछड़े डिस्ट्रिक्ट थे केवल उन्हीं के लिए ये योजना बनी हुई थी।
और इसके बारे में ज़्यादा कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन कहीं से नहीं मिल रही है। बस ये सबसे पिछड़े लोगों को, मतलब सबसे पिछड़े क्षेत्रों में, डिस्ट्रिक्ट में ये योजना लागू की गई और गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देना था लोग को, मतलब गारंटी के साथ और केवल पिछड़े डिस्ट्रिक्ट में। अब स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जिसके बारे में अभी हमने बताया था, दिस योजना वाज लॉन्च इन दिसंबर 1, 1997 व्हेन 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस वर कंप्लीटेड, जब 50 साल स्वतंत्रता के बीत गए तब ये शुरू हुई शहरी रोजगार योजना। सो इन दिस योजना, बाय दिस योजना, नेहरू रोजगार योजना, पहले तो क्या हुआ, नेहरू रोजगार योजना एंड प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम्स, दीज हैव बीन मर्ज्ड विद स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इसके पहले चलने वाली नेहरू रोजगार योजना और प्रधानमंत्री समय के शहरी निर्धनता निवारण कार्यक्रम को मर्ज कर दिया गया। प्रधानमंत्री शहरी समय के रुको, प्रधानमंत्री समय के शहरी निर्धनता निवारण कार्यक्रम और नेहरू रोजगार योजना, इन दोनों को मिला के मर्ज कर दिया, मतलब ये दोनों पॉलिसी खत्म हो गई, ये दोनों स्कीम खत्म हो गई, इसकी जगह स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना चल गई। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस योजना वाज टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज वेज एम्प्लॉयमेंट टू द अनएम्प्लॉयड अर्बन पर्सन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयड, जो अनएम्प्लॉयड थे और अंडर एम्प्लॉयड थे, मतलब जिनको अल्प रोजगार मिला था, मतलब पूरे हफ्ते जॉब नहीं मिलती थी, कुछ दिन कुछ घंटे के लिए, दिन में 2-4 घंटे का काम होता था या हफ्ते में 1-2 दिन काम मिलता था, ऐसे लोगों को जॉब देनी थी, या जो बिल्कुल बेरोजगार थे उनको जॉब देनी थी। तो अब इसमें क्या हुआ, इसके अंडर क्या करना था, देयर आर टू प्रोग्राम्स अंडर दिस स्कीम, फर्स्ट अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, सेकेंड अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। इसके अंतर्गत दो योजनाएं थी, पहली थी कि शहरी स्वरोजगार योजना, दूसरी थी शहरी मजदूरी योजना। तो 75% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ दिस स्कीम वाज टू बी बॉर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स यूनियन गवर्नमेंट एंड 25% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर वाज टू बी बॉर्न बाय स्टेट गवर्नमेंट। इस योजना का 75% जो है वो संघीय सरकार या केंद्र सरकार द्वारा देना था, मतलब उसको उसका व्यय निर्धारित था कि 75% केंद्र सरकार वहन करेगी और 25% राज्य, संबंधित जो राज्य होंगी वो सरकारें करेंगी। अब अगला है प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना, प्रधानमंत्री योजना। तो अब इसमें क्या था, दिस स्कीम वाज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगारों को के लिए, शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए यह योजना बनी। दिस स्कीम प्रोवाइड्स लोन अप टू ₹1 लाख फॉर ओपनिंग हिज ओन एंटरप्राइज एंड ₹2 लाख फॉर अदर एक्टिविटीज। इस योजना के अंतर्गत ₹1 लाख तक उन्हें देना था जो अपना खुद का उद्योग लगाना चाहते हैं, खुद का रोजगार करना चाहते हैं, और अन्य लोगों को, मतलब अन्य तरह की अगर क्रियाएं करनी है, जैसे एक्सपेंशन करना है, अपने बिजनेस को और फैलाना है, तो इसके लिए ₹2 लाख तक दिया जा सकता था। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, लघु और कुटीर उद्योगों का विकास। तो वी नो दैट स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज आर लेबर फ्रेंडली, दे आर मोर पीपल कैन बी गिवेन जॉब, दीज इंडस्ट्रीज डू नॉट अडॉप्ट कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक एंड दीज इंडस्ट्रीज रिक्वायर्ड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी इन्वेस्टेड। ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उद्योग होते हैं, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग, इनमें ज़्यादा पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, इनमें ज़्यादा पूंजी गहन तकनीक नहीं यूज करते हैं, इसमें
हम प्रयोग करते हैं ये श्रम ग्रहण तकनीक, तो ये श्रम को यानी श्रमिक को ज़्यादा रोजगार देती हैं, तो इसलिए इनको बढ़ावा दिया गया। सेकेंड थिंग, दीज इंडस्ट्रीज कैन बी ईजिली इस्टेब्लिश इन विलेजेज ऑल्सो, गाँव के क्षेत्रों में भी इनको हम आसानी से लगा सकते थे। सो मेनी बोर्ड्स वर ऑल्सो इस्टेब्लिश टू प्रमोट स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लघु और कुटीर उद्योग बोर्ड भी बनाए गए हैं, जैसे ये हथकरघा उद्योग वगैरह के लिए हथकरघा बोर्ड बना, रेशम के उत्पादन के लिए अलग से बोर्ड बना। नाइन पॉइंट, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, यहाँ पे जो न्यूनतम आवश्यकता है उसको पूरा करना था। टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पुअर, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम वॉज लॉन्च ड्यूरिंग द फिफ्थ प्लान, पांचवें प्लान जो था, पांचवा प्लान कब शुरू हुआ था, पहले तीन योजनाएं चली, फिर तीन एक वर्षीय योजनाएं चली, ठीक है, फिर उसके बाद चौथा प्लान, पांचवा प्लान 1974 के आसपास, 1974 से शुरू हुआ पांचवा प्लान। तो इस प्लान में ध्यान दिया गया कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ऊंचा उठाना है, ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, रूरल हेल्थ, रूरल वाटर सप्लाई, रोड, रूरल रोड्स, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल हाउसिंग, दीज फैसिलिटीज वर टू बी गिवेन एंड इम्प्रूवमेंट शुड बी डन इन द अर्बन स्लम्स। इकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट भी करना था ग्रामीण क्षेत्रों में। क्या किया गया पांचवी योजना में, पांचवी योजना के एक प्रमुख लक्ष्य था गरीबी हटाओ, ठीक है, ये नारा था पांचवी योजना का, ये भी ध्यान रखना किस योजना में नारा दिया गया गरीबी हटाओ का, तो पांचवी योजना में दिया था। तो इसमें क्या कवर करना था, प्राथमिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा, गांव का स्वास्थ्य, शहर में जो पानी की सप्लाई उपलब्ध कराना, गांव में पानी की सप्लाई उपलब्ध कराना, गांव में रोड वगैरह बनवाना, गांव में विद्युतीकरण करवाना, गांव के आवास की सुविधा देखना और वहां के पर्यावरण को और इम्प्रूव करना, पर्यावरण को में सुधार करना, ये सारी जो बातें थी इस योजना के अंतर्गत थे। अर्बन स्लम थे जो थे, शहरी क्षेत्र में जो मलिन बस्तियां थी वहां पे भी साफ सुथराई, पर्यावरण को सुधार करना या वहाँ यानी कि वहाँ पे भी साफ सुथराई वगैरह देखना था, सुधार करना था साफ सफाई की। फिर दिस इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पुअर इन पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो सबसे निर्धन सेक्शन है समाज का, सबसे निर्धन वर्ग है, उससे इन सब से कुछ ना कुछ क्या होना था, सुधार होना था। अब इसके बाद 20 पॉइंट्स प्रोग्राम, 20 सूत्री कार्यक्रम, 20 पॉइंट्स का मतलब है इसमें 20 बातें हैं, 20 तरह के पॉइंट इन पर देखना है, जिन पर ध्यान देना है। ए न्यू 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम वाज लॉन्च ऑन जनवरी 14, 1982। अब ये 20 चीजें क्या थी, इंक्रीज इन इरिगेशन कैपेसिटी, सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि करना, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एंड पल्सेड, दालों और तिलहन के उत्पादन में वृद्धि करना, एक्सटेंशन ऑफ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ये पहले प्रोग्राम जो चल रहे थे तो इनको आगे बढ़ावा देना था, समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को और बढ़ावा देना था, मतलब जिन गांव में नहीं है वहां पे भी पहुंचाने थे। फिक्सेशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, लैंड होल्डिंग्स मतलब जो मैक्सिमम साइज कोई जमीन रख सकता है, भूमि रख सकता है, उसकी सीमा का जो एक्स्ट्रा लैंड थी वो रिडिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, पुनर्वितरित की जाएगी जिनके पास लैंड नहीं है, लैंड लेबरर को। मिनिमम वेजेस टू एग्रीकल्चरल वर्कर्स, कृषि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी,
रिहैबिलिटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, बॉन्डेड लेबर मतलब बंधुआ मजदूरों का उद्धार उद्धार करना, एक्सपेंशन ऑफ शेड्यूल कॉस्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रोग्राम, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कार्यक्रमों का विस्तार करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनमें शामिल करना, ड्रिंकिंग वाटर इन विलेजेस गांव में पेयजल की व्यवस्था, प्रोविजंस ऑफ हाउसेस इन रूरल एरियाज ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की सुविधा को देखना, इम्प्रूवमेंट ऑफ स्लम एरियाज मलिन बस्तियों का इम्प्रूवमेंट करना, उनका विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ पावर कैपेसिटी विद्युत का विकास करना, विद्युत क्षमता, अब विद्युत क्षमता का विकास करने से क्या होगा, बाकी वर्क जो है वो अच्छे ढंग से होंगे, प्रोडक्शन एक्टिविटीज अच्छी हो जाएंगी अगर पावर जनरेशन अच्छी है तो, इम्प्रूवमेंट ऑफ स्लम एरियाज नहीं, डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड गोबर गैस, गोबर गैस और जंगलों का भी विकास करना, जंगलों का भी विकास करना, वन जो क्षेत्र है उनको बढ़ाना, फैमिली प्लानिंग नियोजन, सेटिंग अप ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करना, वेलफेयर प्रोग्राम फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रेन, औरतों और बच्चों के लिए औरतें और बच्चों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम लागू करना, प्राइमरी हेल्थ प्राइमरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन बिटवीन 6 to 14 years, 6 से 14 बच्चों के वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना जो अभी बिल्कुल फ्री है, राइट टू एजुकेशन के तहत फ्री है, एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड फेयर प्राइस शॉप्स, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसको बढ़ाना, जिन क्षेत्रों में जिन गांव में नहीं है वहां पे पहुंचाना, फेयर प्राइस शॉप वहां तक पहुंचाना, सिंपल इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसको सिंपल करना, बहुत से लोग हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं समझ पाते हैं, वो बहुत टफ होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है बहुत सी, तो उसको सिंपल करना। 19th नंबर, चेकिंग ऑफ जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी, काले धन के निर्माण पर रोक लगाना, ऐसे लोग जो ब्लैक मनी कमाते हैं उनको ध्यान देना, उनको रोकना। 20th पॉइंट, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रियल यूनिट्स, जो सार्वजनिक उद्योगों की इकाइयाँ हैं उनका कुशलतापूर्वक प्रबंधन करना, मींस जो भी घाटे पे चल रही हैं उनको सुधारना। अब ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, ये माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी बैंक, इसके बारे में ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये नई योजना है, और मनरेगा के बारे में भी ध्यान से पढ़ना है, इसके बाद इसका क्रिटिकल अप्रेजल आ रहा है, तो अब ये दोनों चीज़ें जो हैं अब कल करेंगे क्योंकि अब टाइम नहीं है। ठीक है, आप किसी को कोई भी दिक्कत हो रही हो वो बता दे, कोई प्रॉब्लम हो रही है। ट्वेंटी पॉइंट्स प्रोग्राम तक हो चुका था, ठीक है, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम में नाम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, इसको साथ में मनरेगा भी कहते हैं। बिफोर दिस पॉलिसी देयर वाज, बिफोर दिस स्कीम देयर वाज अनदर स्कीम दैट वाज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, पहले इसके पहले नरेगा चल रहा था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार एक्ट, ठीक है, तो अब बदल के ये हो गया मनरेगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इन एवरी विलेज एनी पर्सन हु वांट्स टू डू अनस्किल्ड वर्क ही विल बी गिवेन मिनिमम 100 days एम्प्लॉयमेंट इन 1 year। कोई भी गांव में कोई भी व्यक्ति जो अनस्किल्ड वर्क करना चाहता है, अकुशल कार्य करना चाहता है, तो उसे साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित कराना है, देना है।
अनस्किल्ड मीन्स जो छोटे मोटे जॉब होते हैं, लेबर वाले वर्क होते हैं, श्रमिक वाले, उस तरह के कार्य कराना है। जैसे ये बगल में फोटो दिखी है, मनरेगा गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सब लोग हमें लगता है तालाब वगैरह खोद रहे हैं, तो इस तरह का काम करना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉन्ड्स, डिगिंग ऑफ पॉन्ड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एक्सेट्रा, जो भी ये तरह के काम करना है। ठीक है, सो दोज पर्सन हु वांट टू गेट एम्प्लॉयमेंट, दे हैव टू रिपोर्ट इन दियर रूरल एरियाज इन दियर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस वेयर एवर दिस प्रोग्राम इज बींग लॉन्च, दे हैव टू रिपोर्ट देमसेल्व्स एंड दे आर गिवेन ए जॉब कार्ड। जहाँ पे भी लोगों को, जिस गांव में ये इस योजना में पार्टिसिपेट करना है या जहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ पे जाके अपने, जहाँ पे रोजगार का ऑफिस होगा वहाँ पे जाके इनरोलमेंट कराना है, अपना अपना नामांकन कराना है अपने गांव में मुखिया के पास या जहाँ पे भी होता है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उन्हें वर्क जो भी होगा वहाँ पे बुलाया जाएगा वर्क करने के लिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दिस प्रोग्राम हैज रिजन फ्रॉम 6.22 करोड़ इन 2014-15 टू 7.7 करोड़ इन 2018-19। अब ये एक यहाँ का एक आंकड़ा है जिसके अनुसार, ये एस्टिमेट है, एक्चुअल नहीं है, एस्टिमेट है, एक आकलन के अनुसार इस योजना से लाभ पाए लोगों की संख्या 2014-15 में 6.22 करोड़ थी, जो बढ़ के 2018-19 में 7.77 करोड़ हो गई। मतलब करीब 1.5 करोड़ की संख्या बढ़ी है, कितने से, 4 साल में। इसमें 70% ऑफ दिस योजना, 70% एक्सपेंडिचर ऑफ दिस योजना विल बी इनकर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रेस्ट 25% विल बी इनकर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। इसमें भी जितना भी व्यय आएगा उसका 75% जो है वो यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार, संघीय सरकार द्वारा दिया जाएगा, और बाकी संबंधित राज्य सरकारें देंगी 25%। अब ये माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट बेनिफिट, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी बैंक, मुद्रा बैंक, इसका शॉर्ट नाम है मुद्रा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, माइक्रो यूनिट मीन्स वेरी स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, वेरी स्मॉल साइज इंटरप्राइज, बहुत छोटे छोटे उद्योग जो हैं उनके लिए, उनको डेवलपमेंट करने के लिए रिफाइनेंस एजेंसी बनाई गई, मतलब उनको फाइनेंस की सुविधा देने के लिए। ये बगल में इसका लोगो बना हुआ है, मुद्रा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पूंजी सफलता की कुंजी। तो दिस योजना, दिस स्कीम वाज सेट अप इन अप्रैल 2015 एंड बाय स्कीम एनीवन कैन बी गिवेन, एनी पर्सन हु वांट्स टू एस्टैब्लिश देयर ओन एंटरप्राइज कैन बी गिवेन अ मिनिमम 50,000 रुपीज, 50,000 लोन विदाउट एनी कोलेटरल। किसी को भी, कोई भी व्यक्ति हो जो अपना नया उद्योग लगाना चाहता है, वह उसे सरकार बिना किसी कोलेटरल, बिना किसी जमानत के कम से कम 50,000 रुपया देगी। सरकार का मतलब, दे कैन अवेल इट फ्रॉम एनी कॉमर्शियल बैंक, कोई भी कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक है, उससे जाके ये सुविधा, इस योजना का लाभ प्राप्त सकते हैं। एंड मैक्सिमम रुपीज 10 लाख कैन बी गिवेन एज लोन, मैक्सिमम जो अधिकतम है रुपए 10 लाख रुपया दिया जा सकता है। ठीक है, और मीन्स ₹50,000 फॉर एनी न्यू एंटरप्रेन्योर एंड इफ देयर इज ऑलरेडी एनी बिजनेस, एनी पर्सन इज रनिंग हिज बिजनेस, देन ही कैन बी गिवेन मोर मनी फॉर द एक्सपेंशन ऑफ हिज बिजनेस। कोई भी जो व्यक्ति पहले से बिजनेस कर रहा है, तो उसे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उससे ज्यादा धन भी दिया जा सकता है। अब क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, जो भी पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम है उनका क्रिटिकल अप्रेजल या क्रिटिकल
असेसमेंट चलेगा, यानी हम इसमें यहाँ समालोचना करेंगे कि कितना ये सक्सेस हुआ है और कितना इसकी कमियाँ रह गई, मतलब इसके जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं वो सब देखेंगे। सो फर्स्ट वी सी व्हाट आर द पॉजिटिव थिंग्स विच है वी हैव सीन इन द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी इन अवर कंट्री। हमारे देश में जो भी पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स हैं, निर्धनता निवारण कार्यक्रम हैं, उनके क्या सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं पहले उनको देखेंगे। पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम आर आल्सो नोन एज पैप, इसको शॉर्ट में पैप भी बोलते हैं, PAP पैप, एस लगा दिया तो उसका प्लूरल नंबर हो गया। तो फर्स्ट पॉजिटिव थिंग, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन हैज डिक्लाइन फ्रॉम 46% इन 1973-74 टू 21.9% इन 2011-12। हमने पहली चीज क्या की है, 1973-74 में 46% निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति थे, उनकी संख्या घटा के 21.9% कर दी 2011-12 में, मतलब करीब 23% कर दी, उसका जस्ट आधा कर दिया। 46 का हाफ करो तो 23 आ रहा है, 22% कर दी, 22% किया, आधा से थोड़ा कम कर दिया है। वेज रेट हैज टेंडेड टू राइज ओवर टाइम, मजदूरी दरें भी बढ़ी हैं, जो वेज मिनिमम वेज एक्ट है उसकी वजह से मजदूरी दरें भी बढ़ी, मीन्स नाउ पीपल कैन गेट मोर इनकम मोर वेज फ्रॉम दियर वन डे वर्क। अब लोग एक दिन काम करेंगे तो एक दिन के काम के बदले उसे ज़्यादा धन मिलेगा, मतलब ज़्यादा आय मिल सकेगी। लेकिन अब इसके निगेटिविटीज़ देखें, क्या इसमें ऋणात्मक बातें नकारात्मक बातें हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसर्न और स्टाफ वर इनफिशियंट एंड कुड नॉट वर्क इफिशियंटली बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर इनवॉल्व। अब ये जो प्रक्रिया थी वो काफ़ी जटिल थी, इसको आसानी से समझ नहीं सकते थे। सो इसका क्या असर आया, बहुत से जो स्टाफ के लोग थे समझ ना पाने के कारण सही से उसका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सके, वे सारा जो भी काम किए बिल्कुल अकुशल थे, अदक्ष थे, बढ़िया ढंग से वर्क नहीं कर पाए। आल्सो देयर वॉज नो वन टू मोनिटर द फॉलो अप एक्शन, कोई भी ऐसा व्यक्ति भी नहीं था कि उनको मोनिटर कर सके, मतलब उनकी उनको ऊपर से चेक कर सके क्या काम सही कर रहे हैं, क्या निरीक्षण कर सके सही कर रहे हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देयर वॉज नो वन टू सुपरवाइज देयर एक्शंस एंड द प्रोसीजर वॉज वेरी टफ, सो द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड अदर स्टाफ कुड नॉट इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसी इन अ गुड मैनर, इन ए वेल प्लान मैनर, एक अच्छे ढंग से सब ये काम नहीं कर सके क्योंकि वो समझ ही नहीं सके पहली चीज, और उनको मॉनिटर करने वाला, उनको सुपरवाइज करने वाला कोई भी नहीं था, तो उनको कोई डर ही नहीं था क्या काम कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर दोज इन चार्ज ऑफ द प्रोग्राम्स फेवर द एजुकेटेड रिच एंड रिसोर्सफुल पर्सन एज अगेंस्ट द पुअर, जो कोई भी इनके इंचार्ज थे प्रोग्राम के वो पढ़े लिखे लोगों को फेवर कर रहे थे, अमीर लोग जो पहले से उनका फेवर कर रहे थे, जिनके पास रिसोर्स है उनका फेवर कर रहे हैं। इन प्रेजेंट टाइम यू कैन सी इन योर नेबरहुड इन योर विलेज दैट द विलेज प्रधान मुखिया दीज पीपुल सपोर्ट दोज पर्सन हु आर ऑलरेडी रिच हु आर अबव पॉवर्टी लाइन एंड सच पर्सन हु already have some resources, they help them, but these all schemes are not for them, these schemes are for those poor person who are helpless, who do not have any resource। ये सब जो सारी स्कीम है ऐसे लोगों के लिए बने हैं जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, जो गरीब हैं, निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, जिनके पास शिक्षा नहीं है, दूर दराज के रहने वाले लोग हैं। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, अपने आसपास देखा होगा कि गांव के मुखिया के अंडर में अगर ये सब चीज़ें हैं, प्रधान के अंडर में हैं, तो वे उन लोगों को सपोर्ट करते हैं, उन लोगों की मदद करते हैं जो पहले से ही गरीबी रेखा से ऊपर रह रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, अमीर हैं, जिनके पास खुद के पहले से संसाधन हैं, उनकी हेल्प करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ देम डू नॉट वर्क, देयर नेम इज गिवन बाई नेम, दे आर प्रेजेंट इन द रजिस्टर बट
मोस्ट ऑफ देम डू नॉट वर्क ऑन फील्ड. बहुत से लोग ऐसे इनमें से होते हैं जो फील्ड में काम नहीं करते हैं, केवल प्रेजेंट रहते हैं, रजिस्टर में उनका नाम रहता है. मीन्स देयर इज करप्शन, देयर इज करप्शन इन दिस पॉलिसी, दीज ऑल प्रोग्राम्स, जितने भी प्रोग्राम हैं इनमें करप्शन भी बहुत हैं. सम मनी इज टेकन बाय द पीपल हुज नेम इज सोन एज प्रेजेंट एंड सम इज taken by all other members, all other intermediaries, बाकी जितने भी intermediaries हैं उनके मध्यस्थ हैं जिनके नाम, उनको थोड़ा थोड़ा धन मिल जाता है, थोड़ा धन उसको मिल जाता है जो जिसका नाम चढ़ा है कि present दिखाया गया इसने काम किया है, वो भी खुश हो जाता है कुछ काम नहीं किया है उसको थोड़ा इनकम मिल गए, और जो लोग उसका नाम दिखाते हैं वो उनको भी पैसा मिल जाता है, इस तरह से चलाते हैं काम. रिमोट एरियाज एंड पुअर हाउस होल्ड लोकेटेड इन द इंटीरियर्स ऑफ द विलेजेस वर नेग्लेक्टेड ओविंग टू द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी. जहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते थे, द प्लेसेज वेयर द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कैन नॉट रीच, दोज प्लेसेज वर नेग्लेक्टेड, पीपल ऑफ दोज एरियाज वर नेग्लेक्टेड. जहाँ पे सरकारी ऑफिसर नहीं पहुँच सकते हैं या आसानी से नहीं जाया जा सकता है, वहाँ के लोगों के, वहाँ के परिवारों की उपेक्षा की गई, उनको नहीं शामिल किया गया. तो फायदा क्या हुआ, रिमोट एरिया के लोगों के लिए बनाई गई थी पॉलिसी, दूरदराज के क्षेत्र के लोगों के लिए, अब उन्हीं को शामिल नहीं कर पा रहे हैं. इंस्टीट्यूशन दैट वर नीडेड टू प्रोवाइड फैसिलिटीज लाइक क्रेडिट मार्केटिंग एक्सेट्रा वर नॉट वेरी सपोर्टिव. अब जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी मतलब संगठन है, उनको जिन्हें लोन देना था वो सपोर्ट ही नहीं है. जो मार्केटिंग इनको करना था, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनको उनको क्रेडिट, उनको मार्केटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, मार्केटिंग फैसिलिटी, विपणन सुविधाएं देनी है. मीन्स दे कैन सेल दियर वाट एवर प्रोडक्ट दे मीन्स आर सेलिंग. देयर वॉज नो वन टू गिव them good marketing facility. There are many corporative agency, cooperative agency, not corporative. There are many cooperative agencies, but they were not helping them. बहुत सारी जो cooperative agency हैं, सहकारी समितियाँ हैं और संस्थाएँ हैं, जिनका काम था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह या ऐसे दूसरे लोगों को मदद करें, फाइनेंस दे, वो सपोर्ट ही नहीं है. इन प्रेजेंट टाइम इफ एनीवन वांट टू गेट लोन थ्रू मुद्रा स्कीम देन बैंक पर्सनल्स मेक डिले, दे मेक देम टू वर्क वेरी हार्ड और दे डिनाई टू प्रोवाइड लोन. उन तक कोई ना कोई बहाना बना के लोन देने से मना करते हैं या उनको इधर उधर दौड़ाते रहते हैं और बहुत मुश्किल में तैयार होते हैं लोन देने के लिए. ये सारी समस्याएं हैं. अभी डेफिनेशन ऑफ पुअर वाज नॉट क्लियर टू मेनी. अब इसमें पुअर की कैटेगरी में किसको रखा जाएगा, ये बहुत लोगों को क्लियर नहीं है. ठीक है, एज ए रिजल्ट मेनी नॉन पुअर टुक एडवांटेज ऑफ द प्रोग्राम्स. बहुत से नॉन पुअर जो हैं वो भी इस कार्यक्रम का लाभ उठा लिए. अभी जैसे ऊपर बताए थे, जिनके पास पहले से रिसोर्सेज थे उनको इंचार्ज हेल्प कर रहे थे, और जिनके पास रिसोर्सेज नहीं उनके हेल्प नहीं कर रहे थे. जो जिनकी जरूरत थी पुअर वो नहीं शामिल हो पाए, नॉन पुअर शामिल हो गए उनमें. सिक्स पॉइंट पावर ग्रुप इन द विलेजेस. ये सबसे बड़ी समस्या है किसी भी गांव में या किसी भी शहर में. पावर ग्रुप कंट्रोल द एक्सरसाइजिंग ऑफ दीज प्लान्स, दे कंट्रोल द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, दे प्रेशर ऑन देम, दे प्रेशर ऑन विलेज मुखिया प्रधान एक्सेट्रा. दे वॉन्ट टू रन द पॉलिसी इन द विलेज, प्लान इन द विलेज अकॉर्डिंग टू दियर ओन विल. दे वॉन्ट डेट दियर ओन फ्रेंड, दियर ओन फ्रेंड, दियर ओन रिलेटिव में बी बेनिफिटेड बाई द स्कीम.
वे जो भी पावर ग्रुप हैं गांव में, जो शक्ति समूह हैं या प्रेशर ग्रुप्स हैं, दबाव समूह हैं, जिनका गांव में ज़्यादा रोल होता है, गांव में ज़्यादा मतलब सुनी जाती है, थोड़ा बड़े लोग होते हैं, दबंग लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, ये सारे जो भी योजनाएं हैं उन पे उनको अपने ढंग से चलाना चाहते हैं। ये अक्सर सब लोग अपने गांव में देखे होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिसके गांव में ज़्यादा ऊंची जाति वाले लोग ज़्यादा हैं या किसी किसी भी जाति के ज़्यादा लोग हैं, तो वे सब लोग क्या करते हैं, अपने गांव में पूरा कंट्रोल बनाना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, वो अपने ढंग से अपने फ्रेंड हैं, रिलेटिव हैं, अपने मित्र हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनको लाभ पहुंचाते हैं। और जिससे होता क्या है, द पुअर्स फॉर हुम दीज पॉलिसी वर मेड देवर डिप्राइड ऑफ दिस, जो गरीब लोग हैं जिनके लिए पॉलिसी बनाई गई है वो उससे वंचित रह जाते हैं। द पैप्स वर लार्जली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स एंड लैक पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपुल। जो भी ये निर्गमता निवारण कार्यक्रम थे, ये सारे सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम थी, सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम थे, इसमें सामान्य लोग जो थे उनकी भागीदारी नहीं थी। मीन्स पीपुल वर नॉट इंटरेस्टेड टू रिमूव द पॉवर्टी ऑफ दियर लोकेलिटी, दे डिडेंट वॉन्ट टू हेल्प अदर पर्सन हु आर लिविंग नियर बाय देम। जो लोग हैं वो नहीं चाहते थे कि आसपास लोग के लोगों की मदद की जाए, जो उनके आसपास गरीब रह रहे हैं उनको हेल्प की जाए ताकि ऐसी योजनाओं का फायदा उठाएं। अब जो गरीब है उसको तो ज़्यादा स्कीम पता नहीं रहती है कैसे क्या करना है, जो डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है उसको नहीं पता है क्या करना है, कौन सी चीज़ उसके भले के लिए आई है, उसके गांव तक न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं है या उसको पढ़ना लिखना नहीं आता है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं जिन्हें उनकी हेल्प करना चाहिए, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई रुचि नहीं थी। इफ अदर पीपल कुड टेक इंटरेस्ट ऑन दीज पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स दीज स्कीम्स, देन द सिचुएशन कैन कुड बी बेटर। अगर बाकी जो लोग हैं वे उसमें सहयोग करते, अगर सोचते कि हमारे इलाके में कोई गरीब ना रह जाए, तो फिर क्या होता है, कुछ बेहतर स्थिति होती। एट पॉइंट द स्ट्रेटजी ऑफ पैप्स वर नॉट लिंक्ड विद द ओवरऑल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी एंड डिड नथिंग टू मॉडिफाई द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी विच इज द रूट कॉज ऑफ पॉवर्टी। अब ये जो जितनी भी योजनाएं बनाई गई थी, ये देश के पूरी विकास योजनाओं के साथ मैच नहीं करती थी, उनसे जुड़ाव नहीं था, और देश की पूर्ण अर्थव्यवस्था के साथ साथ चलने का के लिए कोई भी इसमें मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा था, कोई चेंज नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से निर्धनता बनी हुई थी। जो निर्धनता के मुख्य कारण थे उन पे ये डायरेक्टली टारगेट नहीं कर रही थी, तो इसलिए निर्धनता को नहीं खत्म कर पाए। ऑल्सो इट डिड नॉट कंसिडर द फैक्ट दैट पुअर द पुअर वुड नॉट बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ द पैप्स ओविंग टू दियर लैक ऑफ अवेयरनेस एंड इनिशिएटिव। अब जो सबसे बड़ी बात है, जो निर्धन लोग हैं उनका वो जागरूक नहीं है, पुअर डोंट नो व्हाट स्कीम इज फॉर देम, विच स्कीम इज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट, द पुअर डोंट नो, गरीब लोग नहीं जानते हैं सरकार कौन सी योजना उनके लिए बना रखी है, बना रही है या लॉन्च करेगी, उनको पता ही नहीं है, उनके पास जागरूकता नहीं है, तो इसलिए वो कोई इनिशिएटिव नहीं लेते थे अपनी तरफ से, मतलब कोशिश नहीं कर पाते थे कि उन्हें कुछ मिले। अब ये जो पॉवर्टी में रिडक्शन देख रहे हो, इधर जो 22% के आसपास पहुंच गया है, लेकिन कितने साल लग गए यहाँ पे, 40 साल लग गए हैं, 40 साल, ठीक है, 40 साल में इतना रिडक्शन हुआ। अब चाइना के कंपेयर किया जाए, जो सबसे लास्ट वाले चैप्टर में है, तब देखेंगे कि चाइना ने तो बिल्कुल ही कम कर दी अपनी, 25 ही साल 30 साल में 85% से 14% के पास आ गया, 85-86% से, ठीक है। सो ऑल द प्रोग्राम्स विच हैड स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट वर वेरी गुड, बट दियर
implementation was not good. Clear delivery mechanism was not proper. सरकार ने जितने भी प्लान्स शुरू किए, जितने भी योजनाएं चलाएं, वो तो सब बहुत अच्छी थी, लेकिन उनको लागू करने का जो तरीका था वो अच्छा नहीं था. बिकॉज ऑफ दिस मोस्ट ऑफ द प्लान्स कुड नॉट अचीव द टारगेट. इस वजह से अधिकतर जो प्लान थे अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाए. देयर वॉज लार्ज स्केल करप्शन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान. इन सब प्लान के इम्प्लीमेंटेशन में, लागू करने में बहुत सारा करप्शन है. ठीक है, तो इनके बारे में हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री जो स्वर्गीय राजीव गांधी है, उन्होंने कहा था कि अगर एक रुपया पास किया जाता है, गवर्नमेंट संसद में पास करती है या आप गवर्नमेंट के कोष से बाहर निकलता है, तो उसका केवल 15 पैसा गरीबों तक पहुंचता है. मीन्स 85% ऑफ मनी विच इज फॉर द पुअर विच इज गिवन फॉर द पुअर एज असिस्टेंट ऑन इज गॉन इन द हैंड ऑफ करप्ट पीपल. जो लोग करप्ट पीपल हैं उनके हाथ में चला जाता है 85%, केवल 15% ही पहुंचता है. ये जो है डिसेंडिंग इनटू पॉवर्टी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे ना, तो क्या हुआ, इन टर्म ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अलॉन्ग विद पैप्स मे हैव एक्सेलरेटेड द पेस ऑफ ग्रोथ एंड रिड्यूस द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन, बट देयर आर मिलियंस लिविंग अंडर कॉन्स्टेंट थ्रेट ऑफ स्लिपिंग बिलो BPL. अब नई इकोनॉमिक पॉलिसी लागू कर दी गई, पॉलिसी ऑफ LPG जो पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, PAPs भी बहुत से लागू किए गए हैं, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स भी बहुत से लागू किए गए हैं, तो इनसे निर्धनता जो है ख़त्म हो सकती थी या प्रतिशत जो है ख़त्म हो सकता था, वो काफ़ी कम हुआ भी है. लेकिन समस्या अभी भी एक उससे भी बड़ी है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि सिक्योर नहीं है. मैनी पीपल आर नॉट सिक्योर, दे मे गो एनी टाइम बिलो पॉवर्टी लाइन. कभी भी वो पॉवर्टी लाइन के नीचे कभी भी जा सकते हैं, उनके सामने ये डर बना हुआ है. कुछ ना कुछ जॉब मिली है, पॉवर्टी रिडक्शन हुआ है, लेकिन अभी भी ये समस्या बनी है कि कभी ऐसा हो सकता है. दीज आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स पर्टिकुलरली इन द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के विशेष ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ के छोटे छोटे किसान हैं. ज़्यादातर जो किसान हैं वो छोटे या सीमांत किसान है. मीन्स सच फार्मर्स हु हैव लैंड बिलो 2 हेक्टेयर, ऐसे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है या फिर नहीं है. ठीक है, तो ये हर स्टेट्स में है, बट मोस्टली दे आर इन आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र. आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में ज़्यादा हैं, बाकी जगह भी हैं. तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हैज एक्सपोज्ड देम टू द अनसर्टेनिटीज ऑफ मार्केट. नई आर्थिक नीति ने उन्हें बाजार की अनिश्चितताओं में ला दिया है. बाजार पे डिपेंड हो गए हैं, कोई भी अपना मार्केट फोर्स डिसाइड करेगी उनके बारे में. मार्केट फोर्स है ड्रेवन देम टू कॉमर्शियल फार्मिंग. अब वो कॉमर्शियल फार्मिंग करने लगे, वाणिज्यिक खेती करने लगे, क्योंकि मार्केट में जो बिकेगा उसको ये उगाने लगे, उसकी पैदावार करने लगे. अब मार्केट में कभी प्राइस हाई होती हैं, कभी लो होती हैं. Often they find themselves helpless in coping with high cost of commercial cultivation as well as managing the uncertainties of the market. अब इनमें से जब भी cultivation की कभी cost बढ़ जाती है, लागत बढ़ जाती है, जो raw seed आते हैं, मतलब बीज वगैरह जो आते हैं, या और छोटे मोटे उपकरण हैं उनको लगाना है, कभी कभी वो भी ख़राब हो जाते हैं, उसको सही कराना है, पानी लगाना है, कुछ भी है, सब चीज़ की कीमत पड़ती है. और इन सब की कॉस्ट कभी ज़्यादा हो जाती है और जो फसल हुई है, हो सकता है वो कम रह जाए, उसकी मतलब उसकी प्राइस, उसकी कीमत कम हो जाए. तो ये सारी समस्याएं हैं. कॉन्सिक्वेंटली दे आर बीइंग ड्रिवन डीप इनटू द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी.
थाउजेंड्स ऑफ देम इन स्टेट्स ऑफ एपी एंड महाराष्ट्र हैव कमिटेड सुसाइड। ये तो न्यूज़पेपर में अक्सर खबर सुनी होगी, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश यहाँ पे सूखा बहुत ज़्यादा है, पानी की बहुत कमी है, तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर, लैक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज दे आर नॉट एबल टू ग्रो गुड क्रॉप, अच्छी फसल ये लोग नहीं उगा पा रहे हैं, ये पानी की कमी होने की वजह से, सिंचाई की कमी होने की वजह से। सो दे आर इंडेप्टेड एंड वेन दे आर नॉट एबल टू पे बैक दियर लोन दे आर कमिटिंग सुसाइड। ये लोग ऋणग्रस्त हैं, निर्धन हैं, और जब ये अपना ऋण नहीं चुका पाते हैं तो ये लोग अपनी जान लेना शुरू कर देते हैं, आत्महत्या करने लगते हैं। तो अब ये चैप्टर पूरा हो गया है, इसके बाद अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं। अभी कल जो है हमने एक लिंक भेजी थी, ठीक है,